आज हम कान्हा जी के मनपसंद पंजीरी बनाएंगे। इसे आप किसी भी टाइम कान्हा जी को भोग लगा सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो एक कढ़ाई लेंगे, उसे गर्म होने के लिए रखेंगे धीमी आंच पर, और इसमें 2 से 3 चम्मच या फिर 4 चम्मच घी डाल देंगे। घी हम एक ही बार डाल देते हैं, और घी को गर्म होने के बाद इसमें 1/2 कप बारीक कटी हुई बादाम डाल देंगे, और बादाम को कुछ सेकेंड के लिए धीमी आंच पर ही मिक्स करते हुए रोस्ट कर लेंगे। ऐसा करने से पंजीरी हमारा ज़्यादा दिन तक चलता है। तो कुछ सेकेंड हो गया है, मैंने बादाम को कुछ सेकेंड तक रोस्ट किया है। अब इसमें 10 से 15 किशमिश डालेंगे। किशमिश को कट करके भी डाल सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा 1/4 कप बारीक कटी हुई पिस्ता डाल देंगे, और इसे भी कुछ सेकेंड के लिए भून लेंगे। बादाम को रोस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसीलिए मैंने बादाम को कुछ सेकेंड पहले ही रोस्ट कर लिया। इसके बाद और ड्राई फ्रूट डाला है, 8 से 10 काली मिर्च डाल देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच सौंफ डालेंगे। पंजीरी में सौंफ जरूर डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसे भी कुछ सेकेंड के लिए भुनेंगे। सौंफ को बस थोड़ी देर ही भुनना है ताकि इसका टेस्ट हमारे पंजीरी के अंदर आ जाए। तो ये देखिए, ड्राई फ्रूट रोस्ट हो गया है। रोस्ट करने में 1.5 से 2 मिनट लग जाएगा धीमी आंच पर। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसी बचे हुए घी में और ड्राई फ्रूट रोस्ट कर लेंगे। तो आंच को धीमी रखना है। अब इसमें 2 से 3 चम्मच ये हमने गोंद डाला है, गोंद को रोस्ट कर लेते हैं। तो घी जैसे ही गर्म होता है, उसी गर्म घी में जब हम गोंद को डाल देते हैं तो गोंद फटाफट से फूट जाता है, और गोंद को धीमी आंच पे ही भूनना चाहिए, तभी ये सारे फूल जाते हैं। ये देखिए, गोंद हमारा अच्छे से भून गया है। इसे भी सेम प्लेट में निकाल करके रख लेंगे। और यही बचा हुआ घी में आटा को भून लेंगे। तो 1 कप आटा लिया है। आटा आप कोई भी ले सकते हैं, चक्की वाला या फिर रेडीमेड जो पैकेट में मिलते हैं उसे भी ले सकते हैं, और घी का मात्रा थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, पर मैं इतना ही घी में आटा को रोस्ट कर लूँगी। धीमी आंच पर आटा को रोस्ट करना है। अगर आप आटा को रोस्ट करने में थोड़ा सा भी जल्दीबाजी करेंगे तो आटा जल जाएगा, फिर वही जब आप प्रसाद खाएंगे तो वो गले में चिपकेगा। तो इसीलिए आटा को रोस्ट करने में जल्दीबाजी ना करें। 12 से 15 मिनट लग जाता है आटा को रोस्ट करने में। तो इसे धीमी आंच कर देंगे और लगातार मिक्स करते ही रहेंगे। जब आटा भुन जाता है तो कलर चेंज हो जाता है। पंजीरी में और अच्छा टेस्ट लाने के लिए 1 इलायची को क्रश करके डाल देंगे। इससे पंजीरी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, और इसे 12 से 15 मिनट तक धीमी आंच पर लगातार मिक्स करते हुए भून लेंगे। तो ये देखिए, लगभग 12 से 13 मिनट हो गया है, आटा का कलर चेंज हो गया है, और जैसे हम मिक्स कर रहे हैं तो ये बिखर रहा है। जब हम पहले मिक्स करते थे तो ये इकट्ठा ही था, तो ये भी एक पहचान होती है कि आटा हमारा भून गया है, और एक छोटे छोटे दाने भी दिखने लग जाते हैं आटा रोस्ट होने के बाद। अब हम आटा को ठंडा कर लेंगे। तो यही ड्राई फ्रूट वाले प्लेट में आटा को भी रख लेते हैं, और इसे फैला देंगे। फैलाने के बाद इसे ठंडा होने देंगे अच्छे से। इसके बाद और सामग्री मिक्स करेंगे। तो पहले इस तरीके से फैला देते हैं, 1/2 घंटा के लिए छोड़ देंगे। तो 1/2 घंटा के बाद आटा हमारा ठंडा हो गया है। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मैंने अलग कर लिया है छोटी सी कटोरी में। तो अब हम मीठा के लिए इसमें खांड या फिर गुड़ को ग्रेट करके डालेंगे। तो मैं यहाँ पे देसी खांड यूज कर रही हूँ, या फिर आप धागे वाले मिश्री को मिक्सी के जार में डालकर पीस करके भी यूज कर सकते हैं। तो 1 कप के करीब या फिर 1/2 कप इसमें चीनी डाल देंगे, वही देसी खांड, और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। मिक्स कर लेंगे खांड या फिर चीनी या गुड़, जो भी आप यूज कर रहे हैं,
तो आटा को ठंडा होने के बाद ही मिक्स करें, नहीं तो वो पिघल जाएगा तो फिर पंजीरी बेकार बनेगा, वो गीला गीला हो जाएगा। तो अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब पंजीरी में तुलसी दल के बिना तो पंजीरी अधूरी होती है, तो लगभग 4 से 5 पत्तियाँ तुलसी के पत्तियाँ डाल देंगे। और आप चाहे तो तुलसी की पत्तियाँ टुकड़े में तोड़ करके भी इसी में मिक्स करके रख सकते हैं, या फिर डेली ताज़ा इस तरीके से तोड़ करके कान्हा जी को या फिर कोई और भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो ये देखिए आटा पंजीरी हमारा बनके तैयार है। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसी तरीके के न्यू वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं इसी तरीके के और न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।